नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टूडू एस में। हम आज करंट देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नॉर्थ ईस्ट का जो इंसर्जेंसी ग्रुप है अल्फा, उग्रवादी संगठन है, भारत सरकार के साथ ही समझौता किया है एक संगठन। देखिए बार बार हाईलाइटेड होता है ये अल्फा। इसने भारत सरकार के साथ एग्रीमेंट किया है, असम सरकार के साथ एग्रीमेंट किया है, तो शांति समझौता हुए हैं। ये हल्फा क्या है, बोलेंगे उल्फा न कि अल्फा। उल्फा एक आतंकी संगठन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में शामिल था। उप्पा कानून जो है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत इसे प्रतिबंधित सूची में डाला गया था। तो इसने भारत सरकार के साथ शांति समझौता किया है। फिलहाल इसका पूरा नाम देखिए, फुल फॉर्म क्या बोलेंगे, फुल फॉर्म यू फॉर यूनाइटेड, एल फॉर लिबरेशन, यूनाइटेड लिबरेशन, एफ फॉर फ्रंट ऑफ आसाम, फ्रंट ऑफ, ए फॉर आसाम, अर्थात आसाम का एक उग्रवादी संगठन अल्फा। इसका गठन कब हुआ, बोलेंगे अल्फा का गठन जो हुआ था 1979 में हुआ था। मांग क्या थी, एक संप्रभु असम की बात करता था, संप्रभु आसाम अर्थात भारत को आसाम से अलग करने की मांग करता था, एक स्वतंत्र संप्रभु आसाम की बात करता था। इसके लिए इसने आतंक का सहारा लिया, गिरोह संगठन का निर्माण हुआ, इसका नाम था अल्फा। इसके दो सेक्शन है, अर्थात अगर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो इसके दो फ्रैक्शन है, भाग है अल्फा का, करिएगा एक है राज बरुआ के लीडरशिप में अल्फा, क्या बोलेंगे राजकोबा, करिए सॉरी राजकोबा, राजकोबा गुट है। दूसरा है परेश बरुआ गुट, परेश बरुआ गुट। तो अल्फा के दो गुट हैं, क्या बोलना है आपको, अल्फा के दो फैक्शन है, राजखोबा गुट है ये गुट, और दूसरा है परेश बरुआ गुट। जो राजखोबा गुट है, इसने शांति समझौता किया भारत सरकार के साथ, कल शांति समझौता किया है। तो किसके किसके साथ किया है, बोलेंगे एक साइड केंद्र सरकार है और आसाम सरकार है और ये सेम है, तो इनके बीच हुआ है एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट को भी देखना है क्या एग्रीमेंट हुए हैं, लेकिन परेश बरुआ गुट ने एग्रीमेंट को मानने से मना कर दिया, वो इस शांति समझौते का हिस्सा नहीं, जो शांति एग्रीमेंट है, पीस अकॉर्ड है, उसका हिस्सा परेश बरुआ गुट नहीं है। अभी भी जो परेश बरुआ गुट है, इसका विरोध करता है शांति समझौते का। तो कुछ फैक्ट है अल्फा के बारे में, एक बार देखते हैं शांति समझौता क्या है। शांति समझौता में खारकोबा राज कोबा गुट का कहना है कि अल्फा को समाप्त करेगा, ये पहला नंबर पे जो समझौते के हिस्से हैं। हिंसा छोड़ना, हिंसा छोड़ेगा, हथियार का त्याग करेंगे, क्या बोलेंगे आप, वॉयलेंस से छोड़ेंगे, हथियार का त्याग करेंगे, सरेंडर होंगे। थर्ड नंबर पे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होंगे, लोकतंत्र का हिस्सा बनेंगे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होना। एग्रीमेंट का जो पक्ष है बता रहा हूं मैं आपको। चौथे नंबर पे बोलेंगे कि संगठन को समाप्त करना, जो अल्फा संगठन है राजखोबा गुट वो समाप्त करेगा। तो ये है एग्रीमेंट के पास शांति समझौते में। आप बोलेंगे शांति समझौता जो हुआ है, इसमें राजखोबा गुट का कहना है ये सब कि अब हिंसा छोड़ेंगे, हथियार त्याग करेंगे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होंगे और संगठन की समाप्ति करेंगे। बदले में केंद्र सरकार, असम सरकार क्या करेगी, तो इन्वेस्टमेंट करेगी और इनका भविष्य फ्यूचर जो है उनके लिए प्रोग्राम बना के कुछ इनके पीछे इन्वेस्टमेंट करना होगा, पुनः असम में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हो, इनका भी समावेशी विकास हो सके।
परेश बरुआ को देखिए, इसने साफ मना कर दिया एग्रीमेंट को मानने से। परेश बरुआ जो है अभी भी चीन म्यांमार बॉर्डर पे रहते हैं, चीन म्यांमार बॉर्डर पे रहता है ये, इसको चीन का फुल समर्थन है, प्लस म्यांमार के जो भी आतंकी गुट है, नॉर्थ ईस्ट के गुट है, परेश बरुआ को सपोर्ट करते हैं। परेश बरुआ इसने लगातार हिंसा मचाया हुआ असम में, अब तक जो अल्फा है, अल्फा के कारण आसाम में 1979 से जब से अल्फा का गठन हुआ है 10,000 से अधिक लोग मरे हैं और लाखों विस्थापित हुए हैं। तो 10,000 लोगों की हत्या हो चुकी है, मारे गए हैं हिंसा में। फिलहाल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसमें आपसे पूछेगा जो हाल फिलहाल में नॉर्थ ईस्ट के किस आतंकी संगठन ने भारत सरकार के साथ समझौता किया है? बोलेंगे अल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, एक उग्रवादी संगठन है। इसका पूरा नाम क्या बोलेंगे? उग्रवादी संगठन है, असम का संगठन है। किस पक्ष से पूछता है? राजखोबा गुट है, परेश बरुआ गुट नहीं है। पुनः कौन कौन शामिल है? केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और खुद राजखोबा है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि है अमित शाह, इसमें अगर नाम पूछता है आपको बोलना है अमित शाह। और दूसरे असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। तो असम के मुख्यमंत्री और अमित शाह केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व किए थे अमित शाह ने, गृह मंत्री हैं अमित शाह और इधर से असम के मुख्यमंत्री, क्या बोलेंगे? मुख्यमंत्री इतना याद रखिए, विश्वकर्मा। तो ये है, हमको और भी देखना है असम में कौन कौन से उग्रवादी संगठन है, क्या अकेले उग्रवादी संगठन है कि अन्य संगठन है। इसके साथ साथ हम इस पर भी फोकस करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में अन्य कितने आतंकी संगठन है, बार बार में जो नॉर्थ ईस्ट में हिंसा हो रही है क्यों होती है, इसके पीछे इनका हाथ है या किसी और वजह से हो रहा है ऐसे। तो इसके लिए एक थोड़ा सा मैप देखिए आप, नॉर्थ ईस्ट का डेमोग्राफी समझने की कोशिश करते हैं और असम का भी एक मैप के जरिए। तो ये देखेंगे आपको नॉर्थ ईस्ट का मैप कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और इस साइड में ये पश्चिम बंगाल है और ये बांग्लादेश ऐसे करके द्वीप के रूप में बना हुआ है। तो ये है नॉर्थ ईस्ट, ये ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे गुजर रही है। तो अभी जो अल्फा है आसाम में है, अल्फा पुनः इस साइड में इलाका जो दिख रहा है इधर बोलेंगे बोडो, बोडो। और आसाम का एक पुराना नाम है कामतपुर। तो अन्य आतंकी संगठन है क्षेत्र के नाम से, देखिए बोडोलैंड है एक जगह है जो बोडोलैंड बनाने की मांग कर रहे हैं। बोडो एक जनजाति है जो ब्रह्मपुत्र के उत्तरी भाग में रहती है, असम से अलग एक बिल्कुल बोडोलैंड की मांग करता है। इसको लेके इसने हिंसा फैलाया है और संगठन का नाम जो है उग्रवादी संगठन है, उप्पा में शामिल है, इसका नाम है बोडोलैंड नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, बोडोलैंड। तो इतना याद रखिए, बोडोलैंड नाम का एक आतंकी संगठन है आसाम में। तो लैंड तो भूमि हो गई और बोडो क्या है? जनजाति बोलेंगे बोडो को। तो लगातार हिंसा कर रहे हैं, अभी शांति वार्ता में बोडोलैंड अभी शामिल नहीं है, अर्थात बोडो जो है भारत सरकार के साथ बार बार कोशिश करते हैं कि शांति समझौता हो जाए, लेकिन कुछ ऐसा मांग रखते हैं जिससे सरकार बिल्कुल ही मानती है। अभी भी ये उप्पा में शामिल है। उप्पा क्या है? कानून है, एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे, करंट अफेयर में आपको उप्पा के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। सरकार समय समय पर जो भी उग्रवादी संगठन है, आतंकी संगठन है, उन्हें उप्पा में शामिल करती है और पूरी तरीके से प्रतिबंधित सूची में रहते हैं वो।
इसमें बोडोलैंड भी शामिल है, पूरा नाम ये बता देंगे। इधर कामतपुर असम का नाम है, तो कामतपुर लिबरेशन फ्रंट है या लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कामतपुर। लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये संगठन ये भी शामिल है। उधर अल्फा का, सॉरी उल्फा का जो है, जो रमेश बरुआ गुट है वो भी शामिल है। तो अभी भी असम में लगातार 3 आतंकी संगठन ऐसे काम कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं। अब एक बार हम देखते हैं रीजन कैसा है, क्या कारण है इतने सारे आतंकवादी उग्रवादी गुट का होना। तो आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, जो नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर बोला जाता है, 7 राज्य हैं, 7 राज्य, तो 7 सिस्टर कहा जाता है। इन 7ों राज्यों को देखेंगे तो आपको आसाम दिखाई देगा, अरुणाचल प्रदेश है, पुनः नागालैंड, मणिपुर, इधर मेघालय, सॉरी मेघालय, इस साइड मिजोरम, और ये त्रिपुरा एक छोटा सा दिखाई देगा आपको, ये वाला इलाका त्रिपुरा का। तो क्षेत्र कैसा है, बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र है। पहले ऐसे करना है आपको, पहाड़ी का एक बार याद करना है कौन सी पहाड़ी है। हर पहाड़ी में एक एक जनजाति रहते हैं, पूरा पहाड़ी के बाद जनजाति आपको याद करना होगा कुछ। अगर पहाड़ी का नाम आपको याद है तो जनजाति भी नाम याद रहेंगे। फिर इनके शिविर आखिर कहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, इनका शिविर कहाँ है, इन तीनों को एक साथ आपको पढ़ना होगा, अदरवाइज इतने सारे जनजाति हैं कि आपको नाम याद करना मुश्किल होगा। बस एक जानकारी के लिए आपको बता दूं, नॉर्थ ईस्ट में 475 एथनिक ग्रुप हैं, जनजाति हैं, समझ लीजिए, और 400 से अधिक भाषाएं हैं इनकी। तो 475 जनजाति संबोधनी आप याद करें, 400 भाषाएं हैं, खाना पीना बोल चाल सारा चीज इनका अलग अलग है। रिजल्ट ये है कि इनके बीच जो एक मेलजोल होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं है, और यही मेलजोल ना होने के कारण क्या ये अलग थलग है। पहाड़ी क्षेत्र में इनको काट के भी अलग थलग रखा है, क्योंकि एक्सेस बहुत ही मुश्किल होता है, रोड की कमी है, बिजली पानी जैसे आधारभूत चीजें अभी तक यहाँ तक नहीं पहुंची। रिजल्ट ये है कि पूरी तरीके से अलग थलग होने के कारण इन्होंने हथियार उठाया, और जो बाद में और भी लोग थे इन जनजातियों को उत्तेजित किए, उसका परिणाम है कि संगठन गिरोह बनाना। तो पहाड़ी में सबसे पहले क्या बोलेंगे, जो पहाड़ी है कुछ पहाड़ियों का नाम याद करिए आप, इसके बाद जनजातियों का नाम नहीं याद करना होगा आपको। डफला, पूरा नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ी है, ये नहीं बोलेंगे कि कहीं एक जगह पहाड़ी नहीं है, किसी के सारे नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग पहाड़ियां हैं। सिर्फ ब्रह्मपुत्र का मैदान निकाल देंगे आप, जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है 80 किलोमीटर चौड़ाई में बह रही है, ये समझ लीजिए। तो पूरा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है, अगर इसे निकाल दूं मैं तो पूरा नॉर्थ ईस्ट क्या है, प्लेन है। अब यहाँ पे नाम आ रहा है पहाड़ियों का, डफला क्या बोलेंगे, डफला, मिकीर, मिसमी, मिसमी, डफला, मिकीर, मिसमी, और फिर बोलेंगे मिजो, गारो, खासिया, जयंतिया। गारो खासी जयंती ये मेघालय में पहाड़ी है, यहाँ पे तीनों एक साइड है और जनजाति भी है साथ साथ में। डफला, मिकिर, मिसमी ये कहाँ पे है, आपके अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पे है। पुनः नागा की पहाड़ी, नागा पहाड़ी, और मिजोरम की पहाड़ी, मिजो पहाड़ी जो था ये मिजोरम में, तो मिजो की पहाड़ी मिजोरम के नाम से है। फिर मणिपुर की पहाड़ी, एक अलग से रेंज है, बरेल रेंज। असम में है कछार क्षेत्र, ये है कछार, कछार की पहाड़ी। तो कुछ पहाड़ी आपको दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से आपको याद करना है। बरेल रेंज है मणिपुर के, यहाँ पे
ऐसे करके कछार है ये आसाम में, तो कछार जनजाति है, टफला जनजाति है, अरुणाचल प्रदेश में मिकिर, अरुणाचल प्रदेश में जनजाति है मिशमी, ये तीनों पहाड़ी है प्लस जनजाति है। मिजो मिजोरम में है, तो मिजो की पहाड़ी भी है जनजाति भी। गारो खासिया जयंतिया तीन लाइन से पहाड़ी है। मेघालय में नागालैंड में नागा की पहाड़ी है, मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ी है, बरेल रेंज अलग से मणिपुर में के इलाके में दिखाई देता है। तो इस तरीके से आपको जनजातियाँ दिखाई दे रही है। कुछ अन्य जनजातियाँ नागालैंड में जो जनजाति है इसे हम बोलेंगे कुनियाक, और अगामी पिछड़ी जनजाति है अगामी। तो कुनियाक और अगामी ये नागालैंड में भी है, प्लस नागा अलग से समुदाय है, नागा में 47 से अधिक समुदाय आ रहे हैं। और भाषा भी सबकी अलग अलग है। तो पहाड़ी इनका एक जगह है, क्षेत्र है जहाँ पे रह रहे हैं। अब बात करते हैं इनका शिविर, शिविर कहाँ पे है, ठिकाना कहाँ पे इनका शिविर, तो म्यांमार में प्लस चीन म्यांमार बॉर्डर पे। जैसे परेश बरुआ गुट जो है म्यांमार में रहता है, चीन म्यांमार बॉर्डर के पास। तो ये जो इलाका है पूरा, ये क्या बोलेंगे शिविर लगाते हैं, जब भी भारत सरकार कोई एक्शन करती है तो ये कहाँ पे चले जाते हैं, म्यांमार में भाग जाते हैं। पुनः म्यांमार की सरकार कोई एक्शन लेना चाहती है तो चीन चले जाते हैं, फिर चीन की सरकार कोई एक्शन लेगी तो म्यांमार में, ऐसे करके ये घूम रहे हैं। तो इनको पकड़ना, इनके शिविर को समाप्त करना बहुत ही मुश्किल टफ काम है। ऊपर से पूरा इलाका पहाड़ी है जो बेल कनेक्टेड नहीं है। तो ये है, और इनको अच्छे से अपने जियोग्राफी का जानकारी रहता है। एक बार देखते हैं आतंकी संगठन कौन कौन से, या उग्रवादी संगठन। अभी तक तो आपने आसाम का देखा, कुछ अन्य आतंकी संगठन है उसको भी एक बार देख लीजिए। मिजोरम में है मिजो नेशनल फ्रंट, आतंकी संगठन या उग्रवादी संगठन मिजोरम में, मिजो नेशनल फ्रंट। नागालैंड में दो गुट चल रहे हैं, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक महिमा गुट और खपलांग गुट, याद रखना है आपको, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक महिमा गुट और एक है खपलांग गुट, नेशनल सोशलिस्ट है, नेशनल सोशलिस्ट नागालैंड, इसाक मुहिमा गुट, इसाक मुहिमा गुट और एक है खपलांग। कोशिश की जा रही थी जो नागा समुदाय है इसके साथ बात किया जाए, बार बार नागा शांति समझौता होने वाला रहता है, लेकिन कभी इसाक महिमा गुट को पसंद नहीं आता है, कभी खपलांग गुट को पसंद नहीं आते हैं। तो दो गुट है नागालैंड में भी, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ इसाक महिमा गुट और खपलांग गुट, ये इसके लीडर का नाम है इसाक महिमा, उधर से खपलांग। इधर से आपने देख लिया मिजो नेशनल फ्रंट है, उधर से गारो नेशनल फ्रंट है, खासिया नेशनल फ्रंट है, बोडोलैंड में अलग से है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड है। तो ये है मणिपुर में आपका और भी संगठन है, जो मणिपुर में हिंसा हुई थी पिछले साल, और इसी साल था मणिपुर में हिंसा। तो हिंसा का कारण क्या था, कहीं ना कहीं ये गुट था, इन गुटों के बीच था कि एक ओर नागा गुट हो जा रहे हैं तो दूसरी ओर मणिपुर के गुट हो रहे हैं, इनके बीच में आपस में कलह है। अब यहाँ पे हमको देखना है इनका फंड, ये गुट कैसे बना रहे हैं, बनाने का कारण क्या है, फंड और फंड कहाँ से आते हैं। तो गुट बनाने का कारण सबसे पहले बोलेंगे जो एथनिक क्लेश हो रहा है, टकराव है, अर्थात जनजाति जो है इनके बीच में एक टकराव अलगाव।
फिर इनको स्वायत्त ना देना, मांग करते हैं स्वायत्त का, इनके क्षेत्र में हस्तक्षेप, क्योंकि जनजाति अपने अपने क्षेत्र के प्रति संवेदनशील रहते हैं, इनके क्षेत्र में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप करना, जो इनके स्वायत्त की मांग रहती है वो अलग पूरा करना, अलग अलग एथनिक गुट हैं तो भाषा को लेके, क्षेत्र को लेके, संसाधन पे कब्जा करने को लेके टकराव होते रहते हैं, ये सब कारण है गुटिंग करने का, ग्रुप बनाने का। फंडिंग, इनका सोर्स देखिए फंड का, फंड कैसे आ रहे हैं, फंड तो इनके पास पूरा संसाधन है लकड़ी। अवैध लकड़ी का क्या करते हैं, कारोबार बोलेंगे, अवैध लकड़ी कारोबार, टिम्बर ट्रेड है, नॉर्थ ईस्ट साल सागौन से भरा हुआ है तो साल सागौन के पेड़ों को काट रहे हैं, बेच रहे हैं, तो अवैध लकड़ी का कारोबार करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। बिजनेसमैन हो, जो भी बिजनेसमैन रहते हैं, या कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार हो, अवैध वसूली करना, इन दोनों से जबरन वसूल करना, अवैध वसूल करना। इसके बाद है ड्रग्स है, हथियारों की तस्करी है, हथियारों की तस्करी, फिर है मानव किडनैपिंग, अपहरण, मानव ट्रैफिकिंग जिसको एक साथ बोलिए, मानव की खरीद बिक्री भी करते हैं तो मानव ट्रैफिकिंग का भी काम करते हैं। इसके साथ में इनका खुद का टैक्सेशन सिस्टम है, ये टैक्स वसूल करते हैं, अपना पहला टैक्सेशन सिस्टम है इनका, और एक्सटॉर्शन है, जबरन वसूली हर चीज में। तो ऐसे करके एक बड़ा रैकेट चला रहे हैं, ये लकड़ी हो, खनिज संसाधन से अलग से कमाई है इनकी, ड्रग्स बेच रहे हैं, हथियारों की तस्करी कर रहे हैं, और ये जिस क्षेत्र में पड़ रहे हैं ये पूरा इलाका जो है ड्रग्स के लिए जाना जाता है, जो आसियान कंट्री की ओर जाता है, म्यांमार से, चाइना से, थाईलैंड से, तो ये जो है गोल्डन ट्राइंगल का भाग है, जिसके जरिए बड़ी मात्रा में क्या है ड्रग्सों की और हथियारों की तस्करी हो रही है, और इससे पैसा कमा रहे हैं। प्लस टैक्सेशन अलग है, जबरन वसूली, लकड़ी है, खनिज संसाधन है, वो बेच रहे हैं और कमा रहे हैं, इससे फंडिंग हो जा रही है इनको अच्छी, और इन्होंने अपने अपने गुट बना के रखे हुए हैं। तो हमारा ये है ओवरऑल कि उपा के तहत प्रतिबंध लगाया है सरकार ने, अस्पा कानून जगह जगह पे है सरकार का, अस्पा जो सैन्य संबंधित एक कानून है, अस्पा आर्म फोर्स है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, पी है, तो पूरा नाम लिखिए। जब इस तरीके की आतंकवादी कार्रवाई होती है तो उफा में तो शामिल करती है सरकार, साथ साथ अस्पा एक्ट भी लगते हैं, तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, अर्थात जो भारत के अर्धसैन्य बल है उनके पास एक स्पेशल राइट्स हो जाता है, वो एक्शन लेती है, कार्रवाई करती है इस तरीके के आतंकी गुट के साथ। मुठभेड़ तो ऐसे होते रहते हैं, काफी सारे मारे जाते हैं, लेकिन इनका भी रिटेलिएट होता है, जनमानस के ऊपर ज्यादा प्रभाव है। पिछले साल ही बड़े बड़े लोग मारे गए थे उग्रवादी आतंकी हंड अटैक में, नॉर्थ ईस्ट में, तो कई विधायक मारे जा रहे हैं, संपत्ति का अलग से नुकसान हो रहा है। भारत सरकार भी नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए लगातार डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रही है, जैसे पीएम दीवाई योजना चला रही है, एक्ट ईस्ट नीति है सरकार की, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है आसियान कंट्री के साथ जोड़ दिया जाए, आसियान कंट्री जो है तेजी से बूम करता हुआ एक क्षेत्र है, तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट आसियान के साथ जुड़े, इसके लिए सरकार रोड का निर्माण कर रही है, रेलवे बिजली जैसी योजनाओं पे काम कर रही है, बंदरगाह वाले इलाके में काम कर रही है, ताकि बेल रूप से कनेक्ट हो भारत के साथ नॉर्थ ईस्ट, और डेमोक्रेटिक प्रक्रिया का भाग रहे, समावेशी विकास हो। तो देखना है आगे और कौन कौन से शांति समझौते होते हैं, और इस पर थोड़ा सा मैं बता दूं, अभी तक जो हुए हैं शांति समझौते, कौन कौन से शांति समझौते हुए हैं, देखिए एक बार समझा देता हूँ थोड़ा सा, और कौन कौन पहले से समझौता हो चुके हैं भारत सरकार के साथ, जो आतंकी संगठन थे जिन्होंने हथियार छोड़ दिए,
और लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहीं से बने, बोडो समझौता हो चुका है, लेकिन एक सेक्शन बोडोलैंड की जो मांग कर रहा है उसका नहीं हुआ है। बोडो के दो सेक्शन थे तो एक सेक्शन समझौता हो चुका किया है, बोडो समझौता। तो बोडो समझौता हुआ है, फिर बोलेंगे जो ब्रू है, रेंग समझौता। ब्रू जनजाति है मिजोरम की, तो ब्रू रेंग समझौता हुआ है। थर्ड नंबर पे ये सब जनजाति के नाम पे ही समझौते हैं। फिर कार्बी एनालॉग समझौता, ये भी जनजाति है, इन्होंने भी हथियार छोड़ दिए। तो ऐसे करके जनजाति बोडो का एक सेक्शन जो बोडोलैंड की मांग कर रहा था, जिसको समझौता रास नहीं आया तो वो तो नहीं किया, लेकिन बोडो का दूसरा फैक्शन इसने समझौता किया, तो बोडो समझौता हुए, बुरु रेंग समझौता है, दोनों जनजाति है, कार्बी एनालॉग समझौता है। इस साइड जो समझौता का लगातार बातचीत चल रहा है भारत सरकार के बीच और अन्य जनजातियों के बीच, वो है नागा समझौता। अभी हुए नहीं है, बार बार बात चलता है, तो नागा समझौता तो होते होते रह जा रहे हैं। पूना अल्फा देख लिया आप, अल्फा समझौता हो चुका है ये। अभी तो और भी है, जैसे त्रिपुरा का भी, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, टाइगर फोर्स त्रिपुरा का जो आतंकी संगठन है वो अभी समझौता नहीं किया। यहाँ पे त्रिपुरा अगरतला राजधानी है, अभी इससे समझौता करना है। मणिपुर के आतंकी संगठन से समझौता करना है, उधर नागालैंड के अन्य गुटों के साथ समझौता करना है। तो समझौता लगातार हो रहा है, धीरे धीरे शांति प्रक्रिया भी आई है। अब यहाँ सरकार का एक रिपोर्ट है कि अपहरण में, हत्या में और हिंसा में लगातार 80% से कमी आई है। जब से सरकार आई है केंद्र में 2014 से लेके, तब से नॉर्थ ईस्ट में अपहरण की घटना में कमी है, हत्या और हिंसा ये सब मिला के 80% से अधिक की कमी दिखाई दे रही है। अच्छी बात भी है, पहले बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे थे, अब शायद सिक्योरिटी फोर्स मजबूत हुई है, इंटेलिजेंस मजबूत हुए हैं, आक्रमण कम हो रहे हैं, धीरे धीरे शांति प्रक्रिया भी चल रही है। और दूसरे साइड इन्वेस्टमेंट भी सरकार का नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में बढ़ रहा है। रिजल्ट ये है कि धीरे धीरे जो आतंकी गुट हैं हथियार छोड़ रहे हैं, टाल रहे हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए टू डू आईएस के साथ।